ये लोग एक बार फिर से हम लोग एक ट्रिप के लिए तैयार हैं। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं कल्पा। कल्पा जा रहे हैं जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप पराठा खाओगी? मैं तो दही पे मटन तो नहीं खाएंगे। आप तीनों लोग चलो, हम लोग भी वहीं पर आके वहीं पर रोटी ऑर्डर कर देंगे और रोटी हम लोग लेके बाहर आ जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर छोटा सा यूट्यूब चैनल। और आज 11th मार्च है। हम लोग जैसा आपने देखा कल निकले थे 10th मार्च को नोएडा से। और अगर आपको शिमला से आगे कभी भी जाना हो तो जिस दिन आपकी छुट्टियां शुरू हो रही हैं तो उसके एक दिन पहले ही मतलब शाम को निकल के अगर आप कालका पहुँच जाओ सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो पहले भी हम लोगों ने ये किया था और पहले भी आके इसी होटल में रुके थे, लोटस ग्रैंड AKM इस होटल का नाम है। और टोटल जो दो रूम्स का हमारा जो कॉस्ट था वो 5100 ऐसे कुछ था। जैसे आप अभी देख रहे हो अभी मैं तो एटलीस्ट हाफ टी शर्ट में हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है इस साल, बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी, तो अभी ठीक ही है मौसम। बट प्रेडिक्शंस हैं कि शायद फ्राइडे मतलब कि कल स्नोफॉल के प्रेडिक्शंस हैं कल्पा और चितकुल में तो ज़्यादा है चांसेस, बट ऐसी कोई उम्मीद पाल के जा नहीं रहे हैं। हम लोग अब सोलन पहुंच चुके हैं। सोलन शायद पार ही हो गया है, मेन शहर जो है और फोकस में है कि नहीं। सोलन के जस्ट बाहर ये रेस्टोरेंट है शर्मा ढाबा, रशन का ढाबा है, क्योंकि हमने सुबह कुछ नहीं खाया था, बिना ब्रेकफास्ट के निकले थे। इसके बाद हम लोग इन खूबसूरत रास्तों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़े और कई जगह रुक के फोटोज भी क्लिक की, जैसे कि ये। अरे यार ये वीडियो है। फिर हम लोगों ने शिमला को थोड़ा बाईपास करते हुए चायल का रास्ता पकड़ा, जो थोड़ा लंबा जरूर पड़ता है बट काफी सीनिक और सुकून भरा होता है। चायल के बाद हम कुफरी, नारकंडा और थियोग पास करने वाले थे बट स्नो पीक्स कुफरी से ही दिखने स्टार्ट हो गई थी। और रास्तों पर बर्फ देख के अब मन हो रहा था कि बस सीजन की लास्ट स्नोफॉल और देखने को मिल जाए कहीं भी। नारकंडा के बाद रास्ते कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और रोड्स कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हम ज्यूरी पहुँचते हैं और यहाँ से राइट साइड को ऊपर जाता हुआ एक रास्ता पकड़ लेते हैं जो हमें लेके जाएगा हमारे आज के डेस्टिनेशन यानी सराहन के लिए। सराहन एक छोटी सी जगह है और वहाँ पर भीमकाली मंदिर काफ़ी फेमस है।
थोड़े मुकलो अरे वाह। और ये हमारे होटल का एरिया, दिस इज द टॉप एरिया ऑफ आवर होटल एंड दैट्स द लुक, माउंटेन लुक एंड द होल वैली। ये देखिए हम लोग की नई फ्रेंड। अच्छे से देखिए, ये वो हेलो बोल रही है, फिर बोलना वो कैमरे को देख के बोलो। अबे वो उसका एक टांग नीचे है। ई जा, उसको डर लग। तो अभी हम लोग, जैसा आपने देखा, हम लोग पहुंच गए हैं अपने सराहन के होटल में। इस होटल का नाम है होटल श्रीखंड और इसे हम लोगों ने बुक कराया था HPTDC की वेबसाइट से। सरकारी रिसॉर्ट जो होते हैं वो हम लोगों ने बुक कराया था। तो एक्चुअली रामपुर बुशहर के आगे जब हम चलते हैं तो ज्योरी एक जगह आती है। ज्योरी से हमें एक टर्न लेके करीब 15 किलोमीटर के आसपास और चलना पड़ता है, तब हम इस खूबसूरत होटल में पहुँचते हैं। बहुत ही सुंदर होटल है, आपने देखा ही होगा। और छोटी सी जगह है सराहन, पर आसपास लगभग 2-3 तरफ यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ हैं और विंडो से जो भी व्यू है वो आपने देखा ही है। रूम भी काफ़ी औसम है और इसका प्राइस बहुत ही कम है, करीब 2700 में 3 रूम्स हैं हम लोगों के 5 लोगों के लिए। तो बहुत ही सस्ता, मतलब काफ़ी सस्ता। और ये सस्ता इसलिए क्योंकि HPTDC की वेबसाइट पर भी 40% डिस्काउंट चल रहा है। जब से कोरोना का टाइम आया हुआ है तब से इन्होंने 40% डिस्काउंट दिया हुआ है, इस वजह से 2800 के आसपास में 3 रूम्स हो गए हम लोग के कम्प्लीट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सराहन। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अब सीधा, आज का हमारा मेन डे है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं चितकुल और कल्पा। चितकुल जाएंगे, जहाँ तक खबर मिली है लोकल से तो रास्ते तो शायद खुल चुके हैं सारे, रास्ते में बर्फ़ सारी जो है वो साफ़ हो चुकी है तो गाड़ी में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट प्रेडिक्शन है स्नोफॉल के, तो स्नोफॉल नहीं तो शायद बारिश तो मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है हम लोगों को, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है खास। बहुत ही बढ़िया सुबह यहाँ पर हुई है। सनराइज़ हो रहा है अभी। चितकुल का रास्ता जो है यहाँ से वो करीब 4 घंटे के आसपास, 3-4 घंटे के आसपास का है, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक्चुअल जितना भी लगेगा आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं अब। तो हम लोग अब कर चुके हैं किन्नौर के गेट में एंट्री और यहाँ से शायद रोड्स जो हैं वो और ख़राब होती जाएंगी। अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, गड़बड़ होनी शुरू हो गई है सराहन के आगे से, बट अब जहाँ तक है और ख़राब होगी। इस जगह रुक के आपको एंट्री करानी होती है। किन्नौर हिमाचल का सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट आफ्टर लाहौल एंड स्पिति।
किन्नौर ज़्यादातर ट्रैवलर्स स्पीति ट्रिप करने के लिए आते हैं, क्योंकि स्पीति की शिमला साइड से एंट्री किन्नौर होते हुए ही होती है। ये रास्ते मानसून में बहुत कम ही लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर। अब यहाँ करछम डैम से राइट साइड जाना है चितकुल के लिए, वहीं अगर सीधे गए तो कल्पा पहुँचेंगे, और फिर यही रास्ता है स्पीति वैली का भी। अरे मैं देखा ही नहीं, जीपीएस खोया हुआ है। रास्ते कहीं कहीं ठीक ठाक और कहीं कहीं बहुत खराब हैं। अब हम लोग सांगला और बदसेरी पार करके रक्षम के पास इस खूबसूरत से ब्रिज पर पहुंचते हैं। दूर से ही नज़र आ रहा था कि शायद पीक्स पर स्नोफॉल हो रही है, अब बस स्नोफॉल देखना ही बाकी रह गया था। अब हम एंटर करने वाले हैं चितकुल में, जो कि तिब्बत बॉर्डर पर इस तरफ से हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। हम लोग अब पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे। बहुत भयंकर ठंड। हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही है अभी। बर्फीली हवाएं चल रही है। Thank you.
एक जुगाड़ है उसका भी। लेकिन अब हम लोग शाम 4 बजे चितकुल से निकलते हैं कल्पा की तरफ। रिकोंगपियो पार करते हुए कल्पा पहुंचने में हमें शाम हो गई थी और करीब शाम 7:30 बजे हम लोग पहुंचे अपने कल्पा के होम स्टे, जो हमने बुक किया था एयरबीएनबी से, सिर्फ 5,000 रुपीज़ में 3 रूम्स। ये बालकनी है, यहाँ से दिखता है सुबह पहाड़। और तीसरा रूम कहाँ पर है? तीसरा रूम कहाँ पर है? तो गुड मॉर्निंग, क्या बेहतरीन सनराइज यहाँ देखने को मिला है। फार्म विला होम स्टे कल्पा, हम लोग कल यहाँ पहुँच गए थे करीब वही 7:30 तक, 7:30 के आसपास। और यहाँ की जो पार्किंग है वो रोड साइड ही है, तो वहाँ पर जहाँ पर कार खड़ी हम लोगों ने की, वहाँ से करीब 10 मिनट गांव के अंदर पैदल पैदल चल के आना पड़ता है। जंगल ऐसा रास्ता था, रात में तो कुछ समझ में भी नहीं आया, अभी सुबह जब जाएंगे तब दिखेगा कि क्या था आसपास। पूरे में ये एप्पल के हैं, पता नहीं किसके हैं, एप्पल के ही लग रहे हैं, सूखे हुए पेड़ हैं। और एकदम सामने है सूरज निकलते ही पूरा एकदम सब कुछ धूप धूप कर दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब 12 बज चुका है, हम लोग अभी भी अपने खूबसूरत से होम स्टे कल्पा में ही हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सबसे पहले जाएंगे यहाँ का फेमस सुसाइड पॉइंट देखेंगे, उसके बाद अगर कुछ रहा रास्ते में तो वो भी देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ड्रोन शॉट्स लेंगे अगर पॉसिबल रहा, नहीं तो हम लोग सीधे आप चलेंगे रामपुर बुशहर और वहीं पहुँच के आपको दिखाते हैं कि कैसा वो होटल है और वहीं पर फिर हम लोग ट्रिप एंड करेंगे। हमने आज चेकआउट कर लिया है अपने होम स्टे से फार्म विला और काफ़ी अच्छी होमली फीलिंग थी और खाना भी काफ़ी अच्छा था, हेल्दी था और नीट, इट वाज वेरी नीट एंड क्लीन। जैसे गर्ल्स लोग को ज़्यादा कंसर्न रहता है ना कि इट शुड बी क्लीन, वॉशरूम शुड बी क्लीन है। 2 वॉशरूम थे जो कि रूम से अटैच नहीं थे पर इट वाज वेरी क्लीन और हर फ्लोर पे 1 वॉशरूम था और यहाँ 3 या 4 रूम है आई गेस, 3 ऊपर 3 नीचे। गांव का जो ट्रेल है टू रीच दैट होम स्टे इज वेरी रॉ एंड वेरी यूनिक। मुझे तो अपने गांव की याद आ गई। ये लोग ना बहुत कर रहे हैं रोगी में आके, मुझे तो डर लग रहा है डबल प्रोटेक्ट अबे, क्योंकि दिस इज लाइक वेरी डेंजरस, वो बहुत ज्यादा स्टंट कर रहे हैं, ये दिस इज वेरी डेंजरस यार, बहुत ही गहरी खाई है, फट रही है यार। गए हैं, ये फेमस है अपने सुसाइड पॉइंट के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हाई माउंटेन्स हैं। हाँ, ये नहीं पता किसने सुसाइड किया है क्योंकि यहाँ से सुसाइड करना बहुत इजी है, इसलिए यहाँ सुसाइड पॉइंट रख दिया कि मरना यहाँ से मरो ताकि चांस ना रहे।
बाकी बहुत खतरनाक भी है, कहते हैं ना डेंजरसली ब्यूटीफुल, वो वाला सीन है यहाँ पे। एज यूजुअल यहाँ के जो ये जो माउंटेन्स ऐसे बहते हुए नीचे आ रहे हैं, दैट्स द प्लस पॉइंट। ये पूरा चितकुल और रोगी वाला एरिया है, वो बहुत ही सुंदर है इस मामले में। तो अब हम टाटा कर रहे हैं रोगी को और हम जा रहे हैं रामपुर बुशहर। अब 14 मार्च की सुबह हम लोग फाइनली यहाँ से अब अपनी ट्रिप के आखिरी दिन बुशहर एजेंसी रामपुर बुशहर से निकल रहे हैं नोएडा के लिए। और इसी ट्रिप के साथ साथ मैंने अभी सुबह सुबह चेक किया कि 6000 सब्सक्राइबर जो है चैनल के वो पूरे हो गए हैं। बताइए कॉन्ग्रेट्स। बहुत छोटी सी चीज़ है ये, बाकी लोगों का मैं देखता हूँ चैनल, हम लोग के लिए अगर ये भी बहुत रेंग रेंग के हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही धीरे होते हैं। अगर यहाँ पर ही ट्रिप एंड करते हैं, अब मिलते हैं फिर अगली किसी ट्रिप पे। आप बाय बाय कर दो भाई सब लोग यार। बाय बाय।